हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडजेक्टिव का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम नाउन प्रोनाउन की वीडियो बना चुके हैं। नाउन की अगर नहीं आप देखें, नाउन की तो देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। रेन एंड मार्टिन के नाम से है, रेन मार्टिन ग्रामर, तो आपको नाउन की पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए एडजेक्टिव का आज अध्ययन करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है सेंटेंस में, उसको पहले समझते हैं फिर परिभाषित करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, सीता इज़ ए क्लियर गर्ल, सीता एक चतुर लड़की है। तो द गर्ल ऑफ, लड़की ऑफ व्हाट काइंड, मतलब लड़की किस प्रकार की है, यानी कैसी लड़की है। अगर सीता लड़की है, कैसी लड़की है, चतुर, तो चतुर शब्द क्या, लड़की की विशेषता बता रहा हूँ। दूसरे वाक्य में देखते हैं, आई डोंट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को नहीं पसंद करता हूँ। विच बॉय, कौन से लड़के को, उत्तर आएगा उस। तो दैट इसमें क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा लड़का। नाउन में यानी कि कैसी या कौन सा लगाएंगे, तो जो उत्तर आएगा वही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। पहले में कैसी लड़की, चतुर, कैसा लड़का, कैसे लड़के को, कौन सा लड़का, वह लड़का, वह। ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिया। कितने दिए, हाउ मैनी, कितने आम दिया, 5, ये भी एडजेक्टिव है। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए, लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा समय, बहुत थोड़ा यानी ना के बराबर समय, कितना समय है, बहुत कम, बहुत सा थोड़ा, तो लिटिल है। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पहले वाक्य में क्लियर दैट, फाइव, लिटिल, ये सभी अपने बाद आने वाले नाउन की क्या कर रहे हैं, विशेषता बतला रहे हैं, उसके अर्थ में कुछ वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे ही शब्द को हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर, मतलब संज्ञा के साथ में आकर के प्रयोग होकर के, उस संज्ञा द्वारा संकेतिक व्यक्ति, जानवर या स्थान या वस्तु का वर्णन करें। उन संज्ञा के द्वारा संकेतित मतलब जिस तरफ संज्ञा का संकेत हो, जिस व्यक्ति की तरफ, जानवर की तरफ या स्थान या वस्तु की तरफ, उसी कह रहे हैं कि उसी का वर्णन करें अथवा उसकी ओर संकेत करें या संख्या व मात्रा बताएं, विशेषण कहलाता है उसे। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा इस तरह से स्पष्ट है, तो वह विशेषण कहलाता है। अब यहाँ परिभाषा क्या विशेषण की होगी, उसको जान लो। विशेषण वह शब्द है यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है। मतलब विशेषण का काम क्या है, विशेषण में से एडजेक्टिव संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है। आप दूसरी भी परिभाषा याद की होंगी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, वो भी सही है। लेकिन स्पेशली नाउन की ही बतलाता, नाउन नहीं रहेगा तो प्रोनाउन की बतलाएगा, इसलिए नाउन या प्रोनाउन दोनों आ जाता है। अब देखिए विशेषण का अर्थ है जोड़ा हुआ, विशेषण जो एडजेक्टिव है उसका मतलब शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो एडेड टू होता है, जोड़ा हुआ होता है। जोड़ा हुआ मतलब क्या, वो नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ देता है, वृद्धि कर देता है, विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, आलसी लड़के को दंडित किया गया। कैसा लड़का, आलसी, ये आपका एडजेक्टिव है। द बॉय इज लेजी, लड़का आलसी है, कैसा है, आलसी। इस तरह से दो तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में होता है, नाउन के पहले होता है और वर्ब के बाद प्रेडिकेट के रूप में होता है। तो देखिए ये नाउन के पहले है ना, इसको कहते हैं हम एट्रीब्यूटी यूज, ठीक है, गुणात्मक, गुणवाचक या गुणात्मक। दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव, ये वर्ब के बाद देखिए प्रेडिकेट के रूप में लगा है। ये वाक्य देखिए पढ़ लिखा गया, वाक्य एक में लेजी विशेषण वाक्य के साथ गुणवाचक या विशेषता की तरह प्रयुक्त हुआ है, अतः इसका प्रयोग गुणवाचक कहलाता है। अगर वाक्य में आपके दे देगा, कह देगा कि इसमें पहला वाक्य दे देगा, तो कह देगा कौन सा, मतलब लेजी किस रूप में है, गुणवाचक के रूप में है या यानी एट्रीब्यूटिवली के रूप में या प्रेडिकेटिवली, तो आपको बताना पड़ेगा एट्रीब्यूटिवली। कैसे जाना है, नाउन के तुरंत पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिवली। उसके बाद देखते हैं, दी बॉय, दिस बॉय इज लेजी, यह लड़का आलसी है। अब इसमें देखिए लेजी इज क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है, यह विधेय का अंग है, अतः इसका प्रयोग विधेय के रूप में कहलाता है, विधेयात्मक, विधेय के रूप में मतलब विधेयात्मक, प्रेडिक्यूटिवली। गुणवाचक रूप में यानी कि एट्रीब्यूटिवली। इस तरह से एडजेक्टिव में का प्रयोग जो है एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिक्यूटिवली के रूप में होता है, यानी कि नाउन के पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिवली, बिना नाउन के आएगा वर्ब के बाद जो है प्रेडिक्यूटिवली कहते हैं। जितना जान लो कि नाउन के पहले, तुरंत नाउन के पहले आ जाएगा तो इसको एट्रीब्यूटिवली, और इसके साथ नाउन नहीं रहेगा, अकेले रहेगा तो प्रेडिकेटिवली। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चाहिए चलिए अब आगे इसके प्रकार पर चर्चा करते हैं। अब देखिए आगे और आपको बताया गया है, कुछ विशेषणों का प्रयोग केवल विधेय रूप में हो सकता है। विधेय मतलब सिर्फ वर्ब के प्रेडिकेट के रूप में, तो वर्ब भी प्रेडिकेट में जाता है, मतलब कि उसके साथ नाउन नहीं आ सकता है। जैसे अफ्रेड ऑफ गोट्स, भूतों से डरना, तो अफ्रेड साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो इसलिए तुरंत बाद इसके नाउन आ नहीं सकता है। अब देखिए क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक हूँ, वेल, अब देखिए आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेल मतलब ठीक हूँ, कैसा हूँ, ठीक हूँ। अब यहाँ वेल क्या है, वेल के साथ नाउन आ नहीं सकता है। इस तरह से
कभी कभी प्रयोग होते हैं एडजेक्टिव। अब विशेषण के प्रकार हम देखते हैं, तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, कई भागों में बांटा जा सकता है। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब से गुण, किसी के गुणों का वर्णन करना, गुण या दोष का। तो इतना ध्यान देना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण व्यक्ति या वस्तु का प्रकार या गुण बताता है, मतलब किस प्रकार की व्यक्ति है या वस्तु है, उसका अंदर क्या गुण है, क्वालिटीज है, ये सब बताता है, ठीक है। जैसे देखिए, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो इसमें लार्ज क्या है, बड़े शहर का जो है आकार बताया जा रहा है, प्रकार किस प्रकार का शहर है बड़ा, तो लार्ज इसमें एडजेक्टिव है। दूसरे में ही जो है ऑनेस्ट मैन, कैसा आदमी है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। द फूलिश ओल्ड, मूर्ख बूढ़ा, सॉरी ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता, ठीक है। क्रोमा ने कहा हुआ ट्राइड टू सिंग, गाने का प्रयास किया। अब ठीक है, कौवा कैसा कौवा, उत्तर आएगा मूर्ख बूढ़ा, फुलिस ओल्ड, ये दोनों एडजेक्टिव है आपके। दिस इज ए ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर की किताब है। द इंग्लिश लगा दिए, तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों के लैंग्वेज माने भाषा, अंग्रेज लोगों की भाषा का ग्रामर है ये, यानी कि इंग्लिश ग्रामर। देखिए यहाँ क्या है कि कैसा भाषा का, द इंग्लिश माने अंग्रेज लोगों की भाषा का ग्रामर है, यानी अंग्रेजों की भाषा का ग्रामर है। दिस इज़ ए ग्रामर ऑफ इंग्लिश द इंग्लिश, यह अंग्रेजों की भाषा का व्याकरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं जैसे फ्रेंच वाइन्स, तुर्किश टोबैको, इंडियन टी आदि से बनने वाले विशेषणों को कभी कभी प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। इनका वर्गीकरण प्राय गुणवाचक के साथ किया जाता है। तो इसमें ये बताना चाहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ क्या, इंग्लिश क्या था आपका, सब्जेक्ट का नाम था। व्यक्तिवाचक मतलब जैसे एक ही हो और ना हो, तो इंग्लिश मतलब एक विषय, लेकिन अगर द लगा देंगे तो ये विषय नहीं रह जाएगा, तब हो जाएगा इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, तब इसका अर्थ हो जाता। तो इस तरह से ये आपका यहाँ एडजेक्टिव के रूप में इंग्लिश लगा है, लेकिन लैंग्वेज की विशेषता बतलाई जा रहे हैं, ठीक है। भाषा किसकी भाषा, अंग्रेजों की भाषा या अंग्रेजी, मतलब कि जो अंग्रेज लोग पढ़ते हैं, तो द लगा कि ये विषय नहीं रह गया, अंग्रेजों हो गया, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से जैसे फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज, ये सब हो जाते हैं। गुणवाचक विशेषण कैसा या किस प्रकार का प्रश्न के उत्तर में प्रयुक्त होता है, कैसा या किस प्रकार प्रश्न कर लीजिए नाउन में, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा गुणवाचक है। जैसे इसमें शहर, कैसा शहर, बड़ा, लार्ज हो गया। मैन, कैसा आदमी, ईमानदार, ठीक है, फुलिस ओल्ड क्रो। कैसा कौवा, फुलिस ओल्ड, मूर्ख बूढ़ा, ठीक है। कैसी भाषा, अंग्रेजों की भाषा, इंग्लिश, ये सभी क्या आपके एडजेक्टिव हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाक्य के भाग जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सही ढंग से किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, गलत लिखेंगे, इधर का उधर कर देंगे। परिमाणवाचक विशेषण दूसरा प्रकार है, यह बताता कि वस्तु कितनी मात्रा से हमारा, वस्तु की कितनी मात्रा से हमारा अभिप्राय है। मतलब परिमाणवाचक विशेषण मतलब जिससे यह पता चले कि कोई वस्तु, ठीक है, कितनी मात्रा में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आई एट समराइज, मैंने कुछ चावल खाया, ठीक है। अब यहाँ बताया कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रश्न के उत्तर में प्रयुक्त होता है, कितने प्रश्न करो नाउन में, तो जो भी रहेगा बता देगा, ठीक है। तो आई एट समराइज, मैं कुछ चावल खाया, प्रश्न करो कितने चावल खाया, कितने चावल मतलब कुछ, सम इस कुछ है थोड़ा। ही शोड मच पेशेंस, वह बहुत धैर्य दिखाया, कितना धैर्य दिखाया, बहुत। ही है लिटिल इंडिया, उसके पास थोड़ी बुद्धि, कितनी है, लिटिल मतलब थोड़ी बहुत कम, थोड़ी मतलब ना के बराबर कम। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हमने पर्याप्त एक्सरसाइज किया, हम पर्याप्त एक्सरसाइज कर चुके थे, कितना एक्सरसाइज किए थे, पर्याप्त, ठीक है, कितने या कितना। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वो अपना पूरा धन, कितना धन, पूरा, आल लग आ गया। यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है, सेंस में दिमाग, ये समझ, कितने समझ है, नो, कोई नहीं। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वह कोई चावल नहीं खाया, एनी मीन्स कोई या थोड़ा भी चावल नहीं खा, तो कितना नहीं, कितना चावल, एनी, थोड़ा सा भी नहीं, कोई भी नहीं। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की ग्रेट केयर, अत्यधिक देखभाल करो, कितने देखभाल करो, अत्यधिक, ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान या अत्यधिक। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी, अपने बूटी का आधा भाग जो है अदा किया, तो कितने भाग का, उत्तर आएगा आधा, हाफ हो गया। देर हैज़ नो बीन, नॉट बीन सफिशियंट रेन इन दिस ईयर, इस साल पर्याप्त बारिश नहीं, कितना बारिश, सफिशियंट, पर्याप्त। द होल सम, पूरा जोड़ वाज एक्सपेंडेड, विस्तार किया गया, सम इस रकम या जोड़ भी होता, तो कितने कितने रकम, पूरा,
ठीक है, होल हो जाएगा। आगे संख्यावाचक विशेषण, यह बताता है कि कितने व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या से हमारा अभिप्राय, मतलब जिससे व्यक्ति या वस्तु की संख्या पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, द हैंड हैज फाइव फिंगर्स, हाथ में पांच उंगली, कितनी उंगली है, पांच। देखिए यहाँ यह भी संख्यावाचक विशेषण कितने या कितने प्रश्न के उत्तर में आता है, तो कितने प्रश्न करोगे तो आपका जो है आएगा परिमाणवाचक, ठीक है, और कितने या कितनी प्रश्न करने से संख्या भी पता चलेगा। संख्या की बात की जाए कितने कितनी करो आराम से, तो कितनी उंगली है, पाँच उंगली। फ्यू कैट्स, कुछ बिल्लियाँ, ठीक है, कितनी बिल्लियाँ, फ्यू, फ्यू मतलब कुछ या बहुत कम। देर इज नो पिक्चर्स, कोई पिक्चर नहीं, कितने पिक्चर, कोई पिक्चर नहीं। आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स, मैं तुम्हें कई चीज़ें पढ़ा, कितनी चीज़ें, कई। ऑल मेन, सभी लोग, मस्ट आई, अवश्य मानना, कितने लोग, सभी लोग। हियर आर सम राइप, यहाँ पर कुछ राइप मैंगोज, पका हुआ आम है, कितने कितने पके हुए आम हैं, सम, कुछ कुछ या थोड़ा। मोस्ट बॉयज, हमने अधिकांश लड़के, कितने लड़के, अधिकांश। देर आर सेवरल मिस्टेक्स, कई गलतियाँ, कितनी गलतियाँ, कई। संडे इज फर्स्ट डे, कैसा दिन होता है, ठीक है, ये संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, संडे रविवार का फर्स्ट वीक डे होता है, ठीक है। कितना दिन या कितनी मात्रा में, फर्स्ट दिन, ठीक है, या कौन सा दिन, फर्स्ट दिन। संख्या की बात की जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, इतना भी जान ली कि संख्या विशेषण किस लिए दिन भेद बताया गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे हैं जो सही संख्या प्रकट करें, उसमें निश्चित, तीन प्रकार के होते हैं संख्या। अब निश्चित संख्या सूचक विशेषण, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, वे जो सही संख्या प्रकट करें, जैसे 1, 2, 3, 4, ये एकदम क्लियर है, सही संख्या बताएंगे। ये मूलभूत, मौलिक या गणनात्मक होते हैं, गणनात्मक मतलब कार्डिनल, कार्डिनल माने होता है संख्या सूचक। अब दूसरी प्रकार की संख्या होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्रम सूचक, ऑर्डिनल जिसको कहते हैं, ऑर्डर माने क्रम होता है ना, तो ऑर्डिनल, क्रम सूचक। तो इस तरह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार की, फर्स्ट कहीं भी आप 1, 2, 3, 4, 5 देख लीजिए वो, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इन फोर्थ कोई भी आ जाएगा तो ये भी एडजेक्टिव होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कार्डिनल जो है, कार्डिनल मतलब कितने बताता है संख्या, ऑर्डिनल किसी श्रृंखला में वस्तुओं के क्रम को बताता है, ठीक है। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे वो प्रथम आया, द्वितीय आया, क्रम बताया जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर। और कार्डिनल मतलब वो जो है क्रम नहीं बताया गया, एकदम एग्जैक्ट संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, कितने, 1, 2, 3, ये सब होता है। अब करें आगे, स्पष्ट होगा कि ऑर्डिनल वस्तु संकेतवाचक या निर्देशक विशेषणों का कार्य करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, निर्देशक विशेषण मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक जिसको कहते हैं आप। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, अब तक तो आप निश्चित बता रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, तो जिसको डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अब कि इनडिफिनिट, डिफिनिट में 1, 2, 3, 4 से लेके आया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, अब इनडिफिनिट में कौन सी आएगा, जो निश्चित संख्या को प्रकट नहीं करते हैं, जैसे आल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, संट, ये सभी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित जैसे हम कहते हैं कि आल मेन, ठीक है, मस्ट आई, सभी को और मरना है, ये नहीं बताया किसी किसको, ठीक है, आल आर हैप्पी, सभी खुश है, पता नहीं कौन कौन खुश है, ठीक है, आल मेन और हैप्पी, सभी लोग खुश हैं, अभी नहीं बता रहे कौन कौन खुश हैं। इस तरह से ये सब निगेट, ठीक है, इनडिफिनिट होते हैं, जिससे निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, वस्तु का, व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। प्रत्येक सूचक संख्यावाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, जिसको प्रत्येक सूचक संख्यावाचक विशेषण या विभाग सूचक संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। अब देखिए, वे हैं जो किसी वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, मतलब ऐसे विशेषण जो किसी वर्ग की प्रत्येक, जितने लोग भी हैं, व्यक्ति या वस्तु, सबका बोध कराते हैं, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे उदाहरण, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, प्रत्येक लड़के को अपनी बारी में लेना चाहिए। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, इन भारत प्रत्येक व्यक्ति से अपना कर्तव्य करने की आशा करता है। यहाँ ईच बॉय प्रत्येक लड़का, तो प्रत्येक लड़का मतलब जो भी लड़का है, दो या तीन, जो भी, उसकी पूरी बात किया जा रहा है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, भारत प्रत्येक व्यक्ति से आशा करता है, लेकिन अब ये नहीं बताया जा रहा है कौन कौन से प्रत्येक व्यक्ति में कौन कौन है। टू डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति से अपने कर्तव्य की आशा करता है, क्लियर नहीं बता रहा कितने लोगों से कौन कौन। अब यहाँ प्रत्येक लड़के को अपनी बारी में इसे लेना चाहिए, तो मतलब यहाँ क्या, किस लड़के को लेना चाहिए, ये क्लियर नहीं है, इसलिए ईच, इंडिया, ईच इंडिया तो नाउन है, इब्री, ठीक है, ये सभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जो भी हैं पूरे हैं लेकिन निश्चित नहीं है। इब्री वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, इसका प्रत्येक शब्द गलत है, लेकिन ये नहीं क्लियर है कौन सा शब्द गलत है, ठीक है। अब तो ये पूरे विभाग की बात की जा रहा है। आइदर पेन विल डू, दोनों में कलम में से कोई भी इसे करेगी, आइदर मतलब दोनों में से कोई भी, तो दो की बात है, पूरे दोनों कलम की बात की जा रहा है।
ऑन अदर साइड, आइदर साइड इज ए नैरो लेन। आइदर मतलब दोनों साइड में से किसी पर भी एक नैरो लेन है, एक संकुचित गली है। ठीक है, अब यहाँ दो ही या दोनों की बात की जाए, नाइदर से भी, नाइदर एक्यूजिशन इज ट्रू, दोनों दोष में से कोई भी नहीं सही है। तब दो ही हैं तो दोनों की बात की जा रहा है। तो इस तरह से विभाग के लिए से आइदर नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, इचिबरी का प्रयोग दोष या दो से अधिक के लिए होता है, सब ठीक है। डिटेल आप पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कौन सा होता है आगे, अभी आप इतना जानते रहे कि ये सभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको आगे बताया जाएगी स्पेशल वीडियो। एक ही विशेषण प्रयोग के आधार पर परिमाणवाचक या संख्यावाचक हो सकता है, ये जब बताया जा रहा है। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो संख्या भी बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, नंबर के अर्थ नंबर यानी संख्या बताएंगे तो नंबर बताएगा, क्वांटिटी बताने के लिए भी होता है, ठीक है, मात्रा। तो वाक्य पढ़ने से पता चल जाएगा किस रूप में हुआ है, बाकी प्रयोग दोनों में होते हैं। जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो ये भी सही है। सम इस कुछ यानी कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा चावल खाया। अब यहाँ गिन तो सकते नहीं चावल, तो गिन कोई नहीं खाता, मात्रा बताया जा रहा है। सम बॉयज और क्लियर, कुछ लड़के क्लियर माने चालाक होते, कितने लड़के, कुछ लड़के, यहाँ लड़कों को हम गिन सकते हैं, तो ये नंबर के रूप में, जिसको हम गिन सकते हैं जान लीजिए नंबर के रूप में। जैसे आल मैन में आल एडजेक्टिव है, मैन को गिन सकते हैं, नो पिक्चर्स पिक्चर्स को गिन सकते हैं, नो एडजेक्टिव है इसमें, एनी मैंगो ट्रीज, ठीक है, मैंगो ट्रीज को गिन सकते हैं, एनी इसमें एडजेक्टिव है, कौन, ठीक है, एनफ स्पून स्पून को गिन सकते हैं। ये सभी क्या हैं जो ब्लैक से लिखे गए हैं, ये सभी क्या हैं आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है, और कौन से एडजेक्टिव हैं नंबर वाले। अब इधर देखते हैं मात्रा वाले, सम राइस चावल, किनते हो कितना चावल, नहीं थोड़ा हो आएगा, तो ऑल हिज वेल्थ पूरा धन, कितना पूरा, नो सेंस कोई दिमाग नहीं है, गिन नहीं सकते, सेंस माने समझ, एनी राइस कोई चावल नहीं, तो मतलब थोड़ा चावल नहीं, तो आपके कोई एनिमिस कोई या थोड़ा, तो अब यहाँ क्या गिन नहीं, गिना नहीं जाता है चावल को, शुगर भी गिना नहीं जाता, जो नाप तौल के दिया जाता है तो उसको हम, ठीक है, अनकाउंटेबल ही मानेंगे, यानी क्वांटिटी बताएगा मात्रा। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अगला देखते हैं संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण, जो कहने वाला संकेत करते हैं कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कह रहे हैं, मतलब जो संकेत करते हैं कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में, तो संकेतवाचक कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, दिस बॉय इज स्ट्रांगर देन हरी, यह लड़का हरी से अधिक शक्तिशाली है, कौन सा लड़का, यह लड़का, तो दिस का संकेत किस तरफ है, बॉय की तरफ। दूसरे में देखिए, दैट बॉय बॉय की तरफ है, दैट का संकेत, दिस का मैंगोज की तरफ संकेत है, दोज का रेस्कल्स मतलब बदमाश होते हैं उनकी तरफ संकेत है, ठीक है। यंडर फोर्ट, यंडर मतलब सामने का, नीचे फोर्ट बने किला, यहाँ यंडर का प्रयोग एडजेक्टिव ग्रुप में हुआ, डोंट बी सच ए हरी, सच इसमें एडजेक्टिव ग्रुप में, इसमें सच थिंग्स ऐसी चीज़ें, तो ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेत करने के लिए लगा, दिस दैट दिस दोज यंडर सच, ये सभी संकेत करने के लिए लगता है। संकेतवाचक विशेषण कौन से, मतलब प्रश्न करो इसमें कौन से, तो संकेतवाचक जो भी रहेगा पता चल जाएगा। जैसे पहले वाले में यह लड़का, कौन सा लड़का, यह लड़का, कौन सा लड़का, वह लड़का, कौन से आम, ये आम, कौन से बदमाश, ये बदमाश, ठीक है, यंडर फोल्ड, ठीक है, तो किला, कौन सा किला, यंडर, तो नीचे गया सामने गया, सच हरी, ठीक है, डोंट बी सच हरी, ठीक, और कितना हरी, या ठीक है, कौन सी जल्दबाजी, सच ऐसी, कौन सी चीज़ें, सच ऐसी। अगला है, जब व्हाट या व्हिच और हुज के साथ, हुज संज्ञा के साथ प्रयुक्त, पूछने के लिए प्रयुक्त हों, कोई प्रश्न पूछने के लिए, तो इन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में तीन शब्द आपको याद करना, व्हाट व्हिच हुज, क्योंकि इन्हीं के साथ संज्ञा आती है, जब संज्ञा जिनके साथ नहीं आ जाएंगी डब्ल्यू एच फैमिली के साथ, तो उसको हम एडजेक्टिव नहीं मानेंगे। जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, वह किस ढंग का आदमी है, माने ढंग या तरीका, तो व्हाट के साथ मैनर आ गया, तो मैनर नाउन है, व्हाट एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव है। विच वे, कौन सा रास्ता, शैल वी गो, हम जाएंगे, हम कौन से रास्ते जाएंगे, रास्ता कौन सा, विच, ठीक है, विच लगा है वे के पहले, एडजेक्टिव है यहाँ। हुज बुक इज, दीजिए किसकी किताब है, तो बुक की विशेषता हुज बता रहा, तो ये भी क्या आपके एडजेक्टिव हैं। तो देखा जाएगा कि व्हाट का प्रयोग साधारण रूप में तथा विच का प्रयोग कुछ खास रूप में होता है, क्लियर। तो ये सभी थे एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव के बारे में आपको आज बताया गया। अगले दिन आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज दिया गया, उसको बताया जाएगा, आप आज इस एक्सरसाइज को, इसमें देखिए 8 एक्सरसाइज एटलीस्ट तो आप कर ही लीजिए, बाकी और भी हैं, हम सब एक साथ कल बताएंगे, मिलवा देंगे, ठीक है, और उसके बाद तब अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
क्योंकि डेली आप कुछ ना कुछ अपना ज्ञान वृद्धि करते रहेंगे तो एक दिन आपका पूरा ग्रामर आपका मजबूत हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज भी हम इसमें बताते हैं, इसलिए आप एक्सरसाइज को भी अपने मन में सोच सकते हैं, तुरंत बताते हैं उत्तर, आपको पता चल जाएगा। जब जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं आगे जितना एक्सरसाइज मिलेगी सारी एक्सरसाइज आपको बताते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।